अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ठीक है मैडम, हम लोग जनता के अगर साथ में है तो जनता की भलाई करो ना। आप वो वादे किस लिए दिए? जनता के लिए दिए, ना कि किसी नेता की कलम चाटने के लिए। निकाल देते ना, आप तो मुझे निकाल देंगे, पूरे बाकी लोग के इधर फंसे, उनका क्या करोगे? उनके लिए भी रास्ता ढूंढ रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं ना, तो कर रहे हैं। जब धरना दिया, जब कल से ये हंगामा हो रहा था, तो आपको ये चीज कल से करनी थी ना। जब कल उसने कर दिया, मारपीट कर दी मैडम, कल से मार डाला उसकी, मतलब मस्जिद में ये सारी चीजें मिल रही है, फिर भी आप कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ वोटों के लिए, सिर्फ वोट चाहिए। ठीक है मैडम, इसलिए जनता के अगर साथ में है तो जनता की भलाई करो ना। आप वो वर्दी किस लिए दिए? जनता के लिए दिए, ना कि किसी नेता की तलवे चाटने के लिए दिए। मैडम मैडम प्लीज मैडम, आप ये हमारे मेरी बात तो सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। आप भी परेशान हो रहे, हम भी समझ रहे हैं आपकी व्यथा को, हम लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे हैं। लेकिन 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 देखिए, आप इस तरीके से बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप भी संयम रखें, क्योंकि हम भी संयम रख रहे हैं, संयम रखे थोड़ा। तो आप सुनिए मेरी बात, सुनिए, ये मैसेज आपको हमको दे रहे हैं या ये जिन लोगों ने चक्का जाम किया उनको दे रहे हैं? पहले उनको, पहले आप उनको बोलिए ना, तो आप सपोर्ट करोगे तब ये हटेंगे। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स खड़े होकर उनसे बात कर रहे हैं। पहले आप जिन लोगों ने चक्का जाम के देश, हमारे भारत के संविधान के पुरोधा जो नागरिक है, जाके उनसे बात कीजिए। वो कब चक्का जाम? मैडम मेरी, मैंने देखिए, आप उस बीच में मजे, आप अपनी व्यक्तिगत उस पर जाके और उनसे थोड़ा सा बोलिए। देखिए हम लोग, देखिए मैडम, हम लोग आपके बिल्कुल साथ हैं, आपके दुख से हम लोग दुखी हैं। कोई पुलिस वाला नहीं चाहता कि कभी चक्का जाम हो, लेकिन हमारा कहने का मतलब है जो जागरूक लोग हमारे बैठे हुए ना, थोड़ा सा आपका ये थोड़ा सा भैया रास्ता छोड़ दीजिए।